3 लाख स्क्वायर फीट में हमारा पंडाल रहेगा, 15 लाख स्क्वायर फीट में हमारा जो है पार्किंग का व्यवस्था है। मैं आप लोग देखते होंगे बाबा को जो पर्ची जो निकलता है वो दिव्य दरबार 15 तारीख को होगा। तो हम लोग तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, डोंट थिंक निगेटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। नमस्कार, आप देख रहे बिहारी इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का 12 तारीख को पटना में आगमन होने जा रहा है और पटना के नौबतपुर में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम के जो आयोजनकर्ता हैं अरविंद ठाकुर, वो तमाम चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं कि कितना बड़ा वहाँ पर पंडाल बनाया गया है, कितने लोगों का रहने का वहाँ पर जो व्यवस्था है वो किया गया। देखिए तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए जो इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता हैं अरविंद ठाकुर, वो क्या कुछ कर रहे हैं पहले आप इस वीडियो में देखिए। कार्यक्रम यहाँ 13 से 17 तारीख तक 5 दिवसीय है। भूमि पूजन त्रेतपाली में आज हो गया। 3 लाख स्क्वायर फीट में हमारा पंडाल रहेगा, 15 लाख स्क्वायर फीट में हमारा जो है पार्किंग का व्यवस्था है और आवासन और भंडारा जो भक्त लोग आएंगे वो लगातार जो है चलेगा। शौचालय की भी व्यवस्था सभी भक्तों के लिए। बाबा 12 तारीख को आएंगे अभी जो सूचना है, और लगातार 15 तारीख को जो है दिव्य दरबार का कार्यक्रम हुआ, जिसमें आप लोग देखते होंगे बाबा को जो पर्ची जो निकलता है वो दिव्य दरबार 15 तारीख को होगा और अंतिम दिन जो है विभूति वितरण होता है, तो वो कार्यक्रम अंतिम दिन रहेगा। जो है सब लोगों का, बिहार के कोने कोने से लोग आएंगे, बिहार के बाहर के नेपाल से भी लोग, यूपी से भी लोग आने की सूचना है, झारखंड से भी लोग आने की सूचना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये बाबा का पहला कार्यक्रम है और पिछले साल भर से लोग लगे हुए थे। हम लोग जो है तब जाके जो है बिहार की पर्ची निकली है और ये तो बजरंगबली की कृपा है जो वो आए और हम लोग जितने भी सनातन धर्मी हैं उनका हनुमत कथा का लाभ उठाएं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बाबा का कार्यक्रम करवाए हैं कट्टी में। जाए तो ऐसा नहीं है, बहुत जगह से अफवाह हमको की सूचना मिली जो ऐसा ये होगा विरोध है, कुछ नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं होगा, कहीं कोई ऐसा नहीं, क्योंकि संत ये बिहार की धरती संतों की धरती है। तो यहाँ जो भी संत बाहर से आएंगे उनका स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है। तो हम लोग तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, डोंट थिंक निगेटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। तो भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अगर कष्ट भी देते हैं तो उसमें भी सुख है, वो ही भगवान का प्रसाद समझ के उपभोग करना चाहिए। तो मैं अभी 31 जनवरी को खुद जो है DIG होमगार्ड के पद से रिटायर किया हूँ। भारतीय पुलिस सेवा में रहते हुए भी जहाँ मैं रहा पूजा पाठ मेरा प्रथम संस्कार है, तो पूजा पाठ तो हम बचपन से ही करते आए हैं। तो ये अब रिटायर हो गए तो अब फ्री होके जो है पूजा पाठ में लगे हुए हैं, बजरंगबली की कृपा बनी हुई है। और आप लोग से भी आग्रह करते हैं जो हरेक मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का जो है पाठ जरूर करें। बाबा भी यही सबको कहते हैं, जो मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेगा और प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा, ये बजरंगबली की कृपा उन पे बनी रहेगी। तो हम तो वो करते हैं, पहले खुद करते हैं तब आप लोगों को बता रहे हैं। तो प्रभु की कृपा है और हम लोगों का मकसद है कि बाबा शुभ शुभ आएँ और बाबा का कार्यक्रम शुभ शुभ बढ़िया से हो और
बाबा शुभ शुभ यहाँ से विदा हों, यही बजरंगबली से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है, सब कुछ शुभ शुभ हो, मंगल हो, मंगलमय हो। तो अभी आपने देखा जो धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के जो आयोजन करता है अरविंद ठाकुर, उन्होंने बताया कि जो पटना के नौबतपुर में 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे बाबा का स्वागत करने के लिए। और वहीं उन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ा पंडाल भी बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये बताया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग भी बाबा का स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे, और साथ ही साथ दूसरे स्टेट से भी जो लोग हैं इस बाबा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।